नदी के मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने मेरे पूर्व व्याख्यान में संतुलित गति के बारे में बताया था कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास किया जा सकता है, और कुछ अर्थशास्त्रियों का मत था कि अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास संतुलित गति अर्थात सभी क्षेत्रों में निवेश करके और एक साथ निवेश करके जो वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि होगी, वो काफी होगी और अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पथ पर चलेगी। परंतु कुछ अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कहा है कि हम एक साथ निवेश न करके, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश न करके और कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज में जो अर्थव्यवस्था के लिए और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज में जो काफी महत्वपूर्ण है, अन्य उद्योगों से काफी संबंध रखती हैं, चाहे कच्चे माल के रूप में रखती हैं, चाहे वो तैयार माल के रूप में रखती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में हम पहले निवेश करें जिससे कि वो दूसरी इंडस्ट्रीज अपने आप ही उनकी मांग बढ़ने के कारण उनका आर्थिक विकास होगा। तो इस प्रकार से इन अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि हम देखते हैं कि अलग विकसित देशों में पूंजी का अभाव पाया जाता है, बचते नहीं होती हैं और पूंजी की कमी होती है, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में, सभी उद्योगों में एक साथ निवेश नहीं किया जा सकता। अतः उन देशों के लिए जो है असंतुलित वृद्धि जो है वो एक महत्वपूर्ण है, असंतुलित विकास होना चाहिए। तो आज मैं जो बता रहा हूं असंतुलित आदि अर्थशास्त्रियों के द्वारा असंतुलित वृद्धि मॉडल जो है उसका जो है प्रतिपादित किया रोस्टोव भी है इसमें। तो इस प्रकार से ये जो मेहनती अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने असंतुलित वृद्धि मॉडल को सपोर्ट किया है और उन्होंने एक प्रकार से इस असंतुलित वृद्धि मॉडल का प्रतिपादन भी किया है। हम देखें हर्षमैन ने काफी कुछ इस मॉडल के बारे में कहा और उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण उद्योग जो होते हैं अर्थव्यवस्था में उनमें पहले निवेश करें और निवेश करके उनका विकास होगा, अन्य उद्योगों में मांग बढ़ेगी तो अन्य उद्योगों का भी विस्तार होगा। और इस प्रकार से महत्वपूर्ण उद्योगों में निवेश करने से जो पूंजी की मात्रा बढ़ेगी, पूंजी बढ़ेगी, उसको अन्य उद्योगों में भी पुनर्निवेश किया जा सकता है और उन उद्योगों में भी पुनर्निवेश किया जा सकता है, उनका भी और अधिक विस्तार किया जा सकता है और ये विस्तार जो है ये अर्थव्यवस्था की वृद्धि की ओर इंगित करता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो इस प्रकार से हम इनके जो विचार हैं और इसके लिए हर्षमैन ने कहा है कि परी डिजाइन स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। पूर्व जो है वो आकल्पित कूटनीति जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो अपनानी जानी चाहिए और उस स्ट्रैटेजी
जानबूझ करके अर्थव्यवस्था में असंतुलन लाना चाहिए, क्योंकि यह असंतुलन जो है वो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होता है और अर्थव्यवस्था का विकास करता है। इससे पहले कुछ उद्योगों में कौशल बढ़ता है, निवेश होता है, पूंजी लगती है उसमें, और उसके कारण दूसरे उद्योग हैं उनमें भी हलचल बढ़ती है, उनका भी विकास होता है और अर्थव्यवस्था जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर हो जाती है। इसके साथ उन्होंने कहा, एक ऐतिहासिक भी उन्होंने परिप्रेक्ष्य से दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज जो विकसित देशों की श्रेणी में है, चाहे वो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस है, इन देशों में भी पहले असंतुलित वृद्धि मॉडल को अपनाया गया था। इन देशों ने पहले जो अर्थव्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट उद्योग हैं उनमें पहले निवेश किया गया था और उनमें निवेश करके उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक प्रकार से जो है उन्होंने उनमें वृद्धि हुई और आज वो विकसित देश हैं। भारत की बात कही उसने तो कहा कि भारत में भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन अपना रहे हैं और उन आर्थिक नियोजनों के माध्यम से हमने असंतुलित वृद्धि को अपनाया। भारत की जो पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, उसमें लोहा इस्पात उद्योग आदि जो है कई जगह भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में खोली और जिसके कारण काफी उद्योगीकरण हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो इस प्रकार से उसने ऐतिहासिक रूप से भी ये बताया कि जो है इससे अर्थव्यवस्था का विकास का जो है वो इंडिकेशन मिलता है। अब इसने इसमें निवेश को वर्ष मैन ने निवेश को दो भागों में बांटा है, असंतुलित को, और एक तो उसने कहा है सामाजिक रूप की पूंजी में निवेश और दूसरा कहा है प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं। सामाजिक उपरी वे पूंजी वे जिसको उन्होंने कहा है सोशल और हेडजेट, और दूसरा उन्होंने जो है वो प्रत्यक्ष उत्पादक की गया है। प्रत्यक्ष उत्पादक क्रिया जिसको उसने कहा कि बारे में बात की है प्रोफेसर हर्ष मैन ने, और उसने कहा सामाजिक ऊपरी पूंजी वे। सामाजिक ऊपरी पूंजी वे क्या होता है? सामाजिक ऊपरी पूंजी वे ऐसी जो है आधारभूत सेवाएं होती हैं जिनके बिना अर्थव्यवस्था में प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा, चिकित्सा, संचार, परिवहन, विद्युत, सिंचाई, रोशनी आदि ये सब क्रियाएं जो है एसओसी में शामिल होती है। उन्होंने कहा कि पहले एसओसी का जब विकास किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि सिंचाई का यदि विकास हुआ, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया, तो उससे क्या होगा कि कृषि उद्योग को बढ़ावा, कृषि जो है उसका औद्योगिकरण हो जाएगा और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने विद एग्जाम्पल जो है इसमें कहा है कि एसओसी, अब एसओसी में यदि होता है निवेश पहले और डीपीए को
प्रोडक्शन है वो कम आती है और कच्चा माल लाने में तैयार माल भेजने में कहीं दिक्कत नहीं आती है और एक प्रकार से कम कॉस्ट में उनका जो है प्रोडक्शन होता है। तो जब एसओसी को पहले प्रिफर किया जाता है यदि कोई देश और प्रत्येक उत्पादक क्रियाओं को नहीं करता है तो अपने आप ही एसओसी के निर्माण से प्रत्येक उत्पादक क्रियाएं है उनका निर्माण हो जाता है और उसके कारण विकास होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि प्रत्येक उत्पादक क्रियाओं में यदि पहले निवेश किया जाता है अर्थात डायरेक्ट इंडस्ट्रीज लगाई जाती है और दूसरी तरफ सामाजिक ऊपरी पूंजी में जो है वो कम होता है ये सुविधाएं कम होती है तो इसके कारण क्या होता है उद्योगों की जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्योंकि सुविधाएं होती नहीं है और उद्योग चलने के लिए सुविधाएं होनी आवश्यक है उसके बिना प्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए फिर वो प्रेशर डालते हैं चाहे राजनीतिक दबाव है चाहे किसी भी प्रकार से है वो अपनी सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार को अल्टीमेटली एसओसी का निर्माण करना पड़ता है ये सुविधाओं का विस्तार उसे करना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं चाहे पहले एसओसी में निवेश करें या डीपीए में निवेश करें जो है फिर भी वो ये कहता है कि एसओसी से जब डीपीए का निर्माण होता है तो ज्यादा अच्छा पहले एसओसी में जो है वो निवेश होना चाहिए। ने जो है पार्ट टू डेवलपमेंट इसका विकास का मार्ग बताया है डायग्राम के माध्यम से उसको हम दिखा सकते हैं दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार से जो है अर्थव्यवस्था का विकास होगा। B1 पर चला जाता है और फिर B इक्विलिब्रियम बिंदु आ जाता है
उसके बाद ये जो है C1 है, फिर उसके बाद फिर पुनर्निवेश होगा तो C1 के ऊपर और इक्विलिब्रियम C पर चला जाता। तो इस प्रकार से वो कहता है चाहे हम SLC पर करें चाहे DBA पर करें, ये एक विकास का पथ होता है अर्थव्यवस्था का, और इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था का असंतुलित गति से विकास होता है। फिर उसने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की बात की। सत्रह मिनट को पापा लिंकेजेस की बात ने कहा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस भी इसमें होता है। फॉरवर्ड लिंकेजेस में कोई भी उद्योग है और माना लो इस्पात उद्योग है, लो इस्पात जब उद्योग का विकास होता है बाकी इंजीनियरिंग उद्योग है या अन्य उद्योग है उनमें वो लो इस्पात जो है कच्चे माल के रूप में काम आता है। तो इस प्रकार से फॉरवर्ड आगे के जो उद्योग है वो काम में आते हैं। इसी तरीके से बैकवर्ड लिंकेजेस है, लोहा इस्पात उद्योग का यदि विकास होता है तो आयरन इंडस्ट्री लोहा का जो खनन होता है लोहे का होगा और अन्य इस प्रकार से खनिजों का विकास होगा, उन उद्योगों का विकास होगा। तो इस प्रकार से ये बैकवर्ड लिंकेजेस होता है। तो इस प्रकार से उसने कहा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और अब प्रॉब्लम ये है कि कौन से उद्योगों का चुनाव हो जाए, ऐसे उद्योगों का उसके अनुसार ऐसे उद्योगों का चुनाव किया जाना चाहिए पहले जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस जो है दोनों को मिलाकर के उनका जो सबसे ज्यादा हो, ऐसे इंडस्ट्रीज को वो सबसे पहले खोली जानी चाहिए। और तभी